तो भाई ये व्यू है वैसे हमारे नए कमरे से बाहर का। तो बाहर अभी थोड़े बादल हो रहे हैं, मस्त ठंडा मौसम हो गया आजकल, लाइक रात को 12-13 डिग्री पहुंच जाता है। खैर, वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। आई नो भाई, काफी टाइम बाद देख रहे हो तुम मेरा चेहरा, ठीक है। बट मैं आज वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कल स्कॉट मॉरिसन साहब जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनकी कोई पर्टिकुलरली एक मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग कि क्वारंटीन फ्री ट्रैवल कब कब स्टार्ट हो सकता है टू वेरियस कंट्रीज, एंड ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर्स कब खोलेगी। ये जो एवर लॉन्ग क्वेश्चन जो ये मेरे चैनल पे लोग पूछते रहे हैं और जो लोग एक्चुअली हर बंदा पूछ रहा है यार कि ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर्स कब खोलेगा, तो इसके रिगार्डिंग कल कुछ बातचीत हुई है। देखते हैं उस बातचीत में क्या निकला है आउटकम। एंड सेकेंड चीज जो डिस्कस करनी है वो है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्वारंटीन फ्री ट्रैवल खुल गया है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी कोई एक्टिव केसेस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी एक्टिव केसेस बहुत ही कम है, लाइक नेक्स्ट टू जीरो। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज से मंडे 19 अप्रैल से वो रिस्ट्रिक्शन जो थी क्वारंटीन ट्रैवल वाली वो हट चुकी है। सो ऑस्ट्रेलियंस कैन गो टू न्यूजीलैंड फॉर हॉलीडेज, न्यूजीलैंडर्स कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हॉलीडेज, एंड वाइस वर्सा। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड बाकी चालू करते हैं। एंड मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट तो मैं कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा, विच इज कॉल्ड डिस्कवर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ डिस्कवर मैट्रिक्स इज अ रजिस्टर्ड ऑनलाइन कंसल्टेशन कंपनी एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। अब जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में वी डोंट फाइंड लॉट ऑफ इमिग्रेशन एजेंट्स जो ना हम जिस पर ट्रस्ट कर सकें। ऑब्वियसली देर आर कपल ऑफ बिग जायंट्स, IDP हो गया, एंड देर आर ऑल लॉट ऑफ कंपनीज हु कैन एक्चुअली हेल्प द स्टूडेंट्स। बट अगर स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर दिस कंसल्टेंसी नेम्ड डिस्कवर मैट्रिक्स। ये एक मेलबर्न बेस्ड कंपनी है, इट्स नॉट एन इंडियन बेस्ड कंपनी। इससे आपको फायदा क्या होता है कि ये सिर्फ टारगेट करते हैं हाउ टू गेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो इंडिया में आपको कंपनी मिलेंगी, देयर टारगेट इज टू आपको इंडिया से उठा के बाहर भेजना इन टू सेपरेट कंट्रीज, बट दिस कंपनी ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में डील करती है हाउ टू गेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन टू ऑस्ट्रेलिया एंड प्रोवाइड दम विद ग्रेट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। सो गाइस, अगर आप इंडिया में हो और आप बहुत कंफ्यूज हो अपने कोर्स के रिगार्डिंग, सो गो टू देम, आई मीन कॉन्टैक्ट दम, दे कैन हेल्प यू चूज योर कोर्स, या आपको आपकी स्कॉलरशिप्स में भी हेल्प करेंगे, आपकी जो टेस्ट प्रिपरेशन होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के उसमें भी हेल्प करेंगे, दे विल गिव यू गाइडलाइंस फॉर SOP, आपके वीजा प्रोसेस में आपकी हेल्प करेंगे। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर लुकिंग टू माइग्रेट, अगर आप वर्क बेसिस पे जाना चाहते हो ना, आपको सीधा माइग्रेशन चाहिए, देन ऑल्सो दे विल हेल्प यू आउट। सो आई वुड सजेस्ट यू गिव देम अ कॉल, कोई भी आपके डाउट हो, एंड आई एम डेफिनेटली यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड विद द सर्विस। सो अगर सीधा हम इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें, ठीक है, बॉर्डर न्यूज़ के बारे में, तो आप अगर सिर्फ ये गूगल करोगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया बॉर्डर न्यूज़, तो आपको लेटेस्ट आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि कल की आर्टिकल है जो मैं बता रहा था आपको। कोविड फ्री ऑस्ट्रेलिया इन नो हरी टू ओपन इट्स बॉर्डर्स, ऑस्ट्रेलिया लार्जली फ्री ऑफ COVID-19 इन नो हरी टू रीओपन इट्स बॉर्डर्स एज सेड बाय PM मॉरिसन। एंड अगेन थर्ड आर्टिकल, COVID-19 स्केयर, ऑस्ट्रेलिया टू नॉट ओपन एनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स एनी टाइम सून। तो भाई जैसा मैंने तुम्हें पिछले 8, 10 या 1 साल से ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स कब खुलेंगे, भाई कोई गारंटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अगर कोई भी बंदा तुम्हें कोई एग्जैक्ट डेट बोल के कहता है कि यार इस टाइम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स खुल जाएंगे या 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स खुल जाएंगे, तो समझ जाओ वो क्या करना चाह रहा तुम्हारा, ठीक है, इज जस्ट प्लेइंग विद यू। क्योंकि मैंने अपने चैनल पे इनिशियली से, मतलब जब से बॉर्डर बंद हुए हुए, आई गेस लास्ट अप्रैल या मई की बात, तब से लेके आज तक मैंने यही बोला है कि जो अपडेट आती है मैं वो आपको देता हूँ। आई वोंट मेक यू एनी फेक प्रोमिसेस कि भाई बॉर्डर अब खुलेंगे, क्योंकि भाई किसी को नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं पता भाई वो बॉर्डर कब खुलने वाला है, एंड इवन इफ ही नोज ही हैजंट डिस्क्लोज्ड इट आउट टू पब्लिक येट, सो ऑब्वियसली कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता। बट एज वी कैन सी हियर, अगर सीधा आर्टिकल पर चले तो ये तो भाई अपना टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया लार्जली फ्री ऑफ COVID-19 इन नो हरी टू रीओपन इट्स बॉर्डर, ऑस्ट्रेलिया इज नो हरी टू ओपन इट्स बॉर्डर, ये पूरा तुम पढ़ सकते हो, सेम लाइन की बात है। एंड इसका रीजन ये भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड से अगर आप कंपेयर करो तो ऑस्ट्रेलिया हैज डन इम्प्रेसिवली वेल इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग द COVID-19 एंड गेटिंग द मैक्सिमम रिकवरीज आउट ऑफ इट। द बॉर्डर क्लोजर टुगेदर विद स्नैप लॉकडाउन, स्विफ्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड हाई कम्युनिटी कंप्लायंस विद हेल्थ मेजर्स हैव मेड ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज इन कर्बिंग द पैंडेमिक, लिमिटिंग कोरोना वायरस केसेज टू अंडर 29,500 इन्फेक्शन एंड 910 डेथ्स। मतलब एक साल में इनके टोटल केसेस थे 29,500। आई नो इवन पॉपुलेशन का भी सवाल है, बट यू कांट इग्नोर द फैक्ट दैट इन्होंने COVID-19 को बहुत अच्छे से कंटेन किया है, टेकिंग वर्ल्ड क्लास मेजर्स एंड स्नैप लॉकडाउन्स। स्नैप लॉकडाउन का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। रिसेंटली मार्च में पर्थ में एक कोविड का केस आ गया था इन होटल क्वारंटीन, एक कोविड के केस आया था पर्थ में, एंड इन्होंने पूरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन लगा दिया था 5 डेज का। नाउ दिस एक्चुअली एक्सप्लेन जो कि यार कितना केयर कर रहे हैं अबाउट देयर हेल्थ सिस्टम और कितना ये चाहते हैं कि लोग इस वायरस से फ्री रहें, क्योंकि यार
आई वोंट पॉइंट एनी फिंगर, बट अगर आप इंडिया में देखो, इंडिया में यार कुंभ मेला चल रहा है इन मिडस्ट ऑफ अ पैंडेमिक व्हेन द केसेस आर ओवर 2 लाख इन अ डे. मतलब भाई 2 लाख केसेस एक दिन के आ रहे हैं इंडिया में. इतनी कंट्रीज की भाई पॉपुलेशन नहीं होती जितने हमारे इंडिया में केसेस आ रहे हैं. एंड दोज 2 लाख 2 लाख 50,000 केसेस आर दोज केसेस विच आर एक्चुअली रजिस्टर्ड. अभी तो कितने केसेस ऐसे हैं जो अभी आएंगे या फिर वो उनकी रजिस्ट्रेशन कभी हुई ही नहीं है. तो दैट टेल्स यू समथिंग कि यार ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे से कोविड को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, स्नैप लॉकडाउन लगे, एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर सक्सेसफुल. जब मैं अपने इंडिया में अपने फैमिली से बात करता हूँ, अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, इट्स लाइक टोटली ऑपोजिट. अगर ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ पोल है तो भाई इंडिया साउथ पोल है, क्योंकि यहाँ पे मास्क नहीं पहन रहे, कोविड केसेस नहीं है, इट्स ऑल लाइक द प्री कोविड टाइम्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है. बट देन यू लुक अबाउट कंट्रीज लाइक ब्राजील, इंडिया, अमेरिका, वहाँ पे मास्क के बिना आप घर से नहीं निकल सकते. यू हैव टू वेयर 2 masks समटाइम्स टू यू नो गेट योर सेल्फ द मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस. एंड देन ऑल्सो यू नो एज द सेइंग गोज, यू कैन नेवर बी टू केयरफुल, यू कैन नेवर बी टू सेफ. आप जितने मर्जी मेजर्स ले लो, कहीं ना कहीं से अगर आपको होना होगा आपको हो ही जाएगा, नोबडी कैन चेंज दैट. सो इट्स अ वेरी रिस्की टाइम इन इंडिया. एंड अगर तुम ये होप कर रहे हो कि इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर जो है, लाइक ट्रैवल बबल की बात करें अगर हम, कि इंडिया और ट्रैवल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में अगर ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई आई वोंट सजेस्ट यू कि इस साल कुछ होने वाला है. दैट इज ऑल्सो कोई न्यूज नहीं है मेरे पास. हो सकता है नेक्स्ट मंथ खुल जाए, हो सकता है अगले 4 साल ना खुले. मैं सिर्फ आपको पास्ट ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसा इनका ट्रेंड आता गया है, ऑस्ट्रेलिया में केसेस नहीं है, न्यूजीलैंड में केसेस नहीं है, दैट्स व्हाई दे हैव ओपन अप अ ट्रैवल बबल और प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया एंड कोरिया. ये 4 ट्रैवल बबल जो आ सकते हैं, क्योंकि उन कंट्रीज में भी बहुत अच्छे से कंटेन्ड है COVID-19. कैसा कहा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर तुम इंडिया का ये देखो, यू नो इनिशियली हमारा जो पीक था दैट वॉज अराउंड यू नो 92,000 केसेस एट मैक्स, 97,000 भी गए थे. देन ये थोड़ी वेव नीचे गई थी तो हमें लगा था कि यार चलो COVID-19 इज गेटिंग यू नो इन कंट्रोल, बैक इन कंट्रोल. देन ये जो सडन जंप है भाई, 261,394 केसेस इन अ सिंगल डे, दैट टू दोज आर द रजिस्टर्ड केसेस. भाई ये नंबर बहुत ही डरावने हैं. इट्स एक्चुअली स्केरी टू सी दैट 261,000 केसेस इन अ सिंगल डे. आई मीन अगर मैं तुम्हें ना भी बताऊं, यू कैन इजीली यू नो कॉमन सेंस यूज करके तुम सोच सकते हो कि यार ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में अभी कोई ट्रैवल नहीं होने वाला फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर. एंड ऑब्वियसली ऑफिशियल यू नो कोई ऐसा स्टेटमेंट है नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस स्टैट को देख के यू कैन इजीली मेक आउट व्हाई नोबडी इज गोइंग टू ओपन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू इंडिया. देन नेक्स्ट पॉइंट जो काफी यू नो मेरे जैसे लोगों के लिए है, कि हम एक साल से पर्थ में फंसे हुए हैं, पर्थ से लिटरली बाहर कहीं नहीं गए हैं बिकॉज ऑफ दोज हार्श लॉकडाउन. नाउ यू कैन एक्चुअली टेक ऑफ ऑन अ क्वारंटीन फ्री हॉलीडे टू न्यूजीलैंड. एंड न्यूजीलैंड भी यू नो ऑस्ट्रेलिया जैसी ही कंट्री है, पता ही होगा. एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर है आपके पास तो इट्स प्रीटी मच सेम ओवर देयर, यू कैन यूज इवन यूज द सेम करेंसी. एंड इट्स अ गुड गेटअवे स्पॉट्स. न्यूजीलैंड इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. एंड हम मैं और निकेत भी प्लान कर रहे थे कि इस सेमेस्टर के बाद अगर हमें वेकेशन लेनी हो सो वी माइट गो टू न्यूजीलैंड, एंड ऑब्वियसली विल कीप यू गाइस अपडेटेड विद दैट. सो ट्रैवल बबल्स ओपन्स एज ऑस्ट्रेलियंस टेक ऑफ ऑन क्वारंटीन फ्री ट्रैवल. यहाँ पे पूरी इसकी डिटेलिंग लिखी हुई है कि जैसे यहाँ पे द फर्स्ट फ्लाइट हेडेड फॉर ऑकलैंड फ्रॉम सिडनी एयरपोर्ट टुक ऑफ अबाउट 7 AM आफ्टर एन इनिशियल डिले. तो ये आज की बात हो रही है, आज मंडे 19 अप्रैल को मैं शूट कर रहा हूँ और ये भी आज ही की बात हो रही है. सो दिस ट्रैवल बबल मीन्स ऑस्ट्रेलियंस आर नाउ फ्री टू विजिट एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन विदाउट अप्लाइंग फॉर परमिशन. एनीवन फ्लाइंग इनटू न्यूजीलैंड विल गो थ्रू अ ग्रीन जोन इन एयरपोर्ट्स. वही बात है कि ऐसे नहीं है कि आप बिना मास्क के बस प्लेन में बैठ गए और चल दिए वहां से, ऐसा नहीं होगा कभी. Because obviously pandemic is not over and we have to take adequate measures to you know tackle it again. Then यहाँ पे 5-6 बंदों की testimonies भी लिखी हैं that how they were separated from their families इतने time बाद वो मिल रहे हैं. And you know it's been tough on everyone. क्योंकि यार जो जो New Zealand में भी फंसे हुए थे वो 1-1.5 साल से अपनी family से नहीं मिले हैं. हम जैसे लोग Australia में फंसे हुए हैं, हम भी अपनी family से नहीं मिले हैं. And हम भी यही hope करते हैं कि भाई borders जल्दी से ज़्यादा खुलें, जल्द से जल्द खुलें. क्योंकि I know international students is one thing, बट मैं एज अ पर्सन जो अपनी फैमिली से इतना टाइम दूर रहा हूँ, मेरी आप लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग विश रहती है हमेशा दैट यू नो द बॉर्डर शैल बी ओपन्ड अप प्रीटी सून सो दैट आई कैन गो बैक देयर, मीट माई फैमिली, और आई कैन कॉल माई फैमिली हियर एंड मीट देम. सो इट्स रियली टफ बट यू नो कुछ कर नहीं सकता आप सिचुएशन में, दैट्स द ओनली थिंग. यू कैन ऑलवेज जस्ट होप फॉर द बेस्ट. अगेन यू कैन सी द बबल इज ओपन, सी यू सून न्यूजीलैंड. तो यार मेलबर्न और सिडनी से तो न्यूजीलैंड बहुत ही पास है, आई गेस 1.5 या 2 hours की फ्लाइट एट मैक्स. हमारे यहाँ से शायद 6.5 या 7 घंटे की फ्लाइट है, बिकॉज पर्थ ऑल द वे टू न्यूजीलैंड इज अ लॉन्ग फ्लाइट. आई डोंट नो अगर डायरेक्ट फ्लाइट जाती भी है कि नहीं जाती. सो भाई ये दो चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी आपके साथ, दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो. बिकॉज कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, छोटा सा रिकैप दे देता हूँ. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉरिसन, मिस्टर मॉरिसन हैज सेड कि ऑस्ट्रेलिया इवन दो दे आर कोविड फ्री,
इनको कोई जल्दी नहीं है बॉर्डर्स खोलने की. सो ये सीधा हिंट देते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर नॉट गोइंग टू बी ओपन एनी टाइम सून टू स्पेशली इंडिया. क्योंकि अगर ट्रैवल बबल्स और बनाते हैं लाइक न्यूजीलैंड वन, वो सिर्फ सिंगापुर, कोरिया एंड वियतनाम के साथ बनने का टाइप है. बिकॉज दे आर कोविड फ्री एंड इन्होंने भी इन कंट्रीज ने बहुत अच्छे से अपना कोविड 19 कंट्रोल किया है. इंडिया का कोई नाम नहीं लिया गया, इंडिया इज नॉट इन द पिक्चर. बट जो मैंने आपको केसेस का स्टार्ट दिखाया 260,000 केसेस इन अ डे, दैट डजंट गिव यू यू नो अ वेरी गुड पिक्चर अबाउट द इंडियन कंडीशन राइट नाउ. तो बस यही है. एंड द सेकंड पार्ट वाज दैट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ट्रैवल क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल खत्म, क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल स्टार्ट हो गया है. फ्लाइट्स जा रही हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं. एंड बट ये भी कब तक रहेगा इसके लिए कोई गारंटी नहीं. हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में 2-3 केसेस आ जाएं तो फिर बंद हो जाए, या न्यूजीलैंड में 2-3 केसेस आ जाएं तो फिर बंद हो जाए. तो भाई यही थी आज की वीडियो. आई होप यू गॉट द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट. एंड मैं आज भी थोड़ा जल्दी में शूट कर रहा था बिकॉज काफ़ी काम होते हैं यार, कॉलेज के भी, यूनिवर्सिटीज़ के भी, मतलब सबमिशन स्टार्ट हो गए हैं. इट्स गेटिंग टू कंजेस्टेड. बट जैसे जैसे जब जब टाइम मिलेगा आई पोस्ट अनदर वीडियो सून. सो होप टू सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून अगेन. एंड भाई कोई वीडियो का आपको दिलचस्पी हो यू कैन ऑब्वियसली कमेंट इट डाउन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.